हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज है सैटरडे और कल है दिवाली, तो मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल में, बिकॉज दिवाली के लिए काफ़ी तैयारी करनी होती है, तो मटरी वगैरह बनानी है, कुछ पकवान बनाने हैं, गुजिया वगैरह बनानी है, तो इसीलिए मैं आई हूँ मम्मी की हेल्प कराने के लिए। मिलकर साथ में दोनों बना लेंगे, और वहाँ पर मैं अकेले नहीं बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बनता है उसी में से मैं ले जाती हूँ। मुझे आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं। अभी हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, मम्मी बोल रही थी कि बैठ लेते हैं फिर उसके बाद बना लेंगे। तो बस अब जो है मैं जा रही हूँ किचन में, बनाऊंगी पहले गुजिया और बस फिर उसके बाद मटरी वगैरह बनाऊंगी। देख, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मॉर्निंग से घर पर वीडियो शूट करने का, आपसे बात करने का, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर आकर ही आपसे बात करूंगी। हस्बैंड ऑफिस गए हैं तो मुझे छोड़ते हुए चले गए हैं, और जब वो आएंगे तो साथ में मैं उनके वापस चली जाऊँगी। तब तक जो है ये सब काम भी हो जाएगा, तो चलिए अब जो है काम स्टार्ट कर लेते हैं, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं क्या क्या बनाती हूँ मैं। मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले गुजिया बनाऊंगी, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मैदा ली है, और ये आई थी तो ऐसे ही रखी हुई थी, तो बस इसको मैं निकाल रही हूँ। जितनी चाहिए उतनी मैं ले लूँगी और इसको छान लूँगी, ताकि इसमें कुछ हो ना, साथ ही साथ देख भी लूँगी, इसीलिए छान लेना चाहिए। तो जितनी लेनी है उतनी मैदा मैं ले लूँगी, और साथ ही मैं इसमें मैं ऐड करूँगी घी। तो अभी मौसम ठंडा है, इसीलिए घी जो है वो थोड़ा जम गया है, इसे मैं गैस पर गरम कर रही हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए। और ये मेल्ट हो चुका है तो इसको मैं ऐड कर दूँगी, और उसके बाद हाथ से इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि मैदा में घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका जो एक सॉफ्ट डो है, सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने गुजिया के लिए मैदा लगा के रख दी है। ये खोआ मैंने तैयार कर लिया गुजिया के लिए। इसमें मैंने छोटी 4-5 चम्मच रवा ऐड किया था, ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, चीनी ऐड की है, और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा जो है मैंने इसे भूना था अच्छे से। तो बस ये गुजिया बनाने के लिए तैयार है। अब मैं बनाऊंगी गुजिया, तो उसके लिए जो मैंने मैदा लगा कर रखा था उसी में से आटा लेकर छोटी छोटी लोई जो है बनाकर तैयार कर लूँगी, और फिर इसको जो है मैं बेलूँगी। तो यहाँ पर मैंने जिसमें गुजिया बनाते हैं ये उसी का सांचा है, तो इस पर मैं ऑयल लगा रही हूँ, और उसके बाद जो गुजिया है उसको बनाऊँगी। तो बस इसको मैं बेलती जा रही हूँ, लोई जो मैंने बनाकर तैयार की है इनको मैं पतला पतला बेल लूँगी। इतना बेल लेना है कि इस सांचे में जो है आ जाए और थोड़ा सा बाहर ही निकले, ताकि इसको जो है बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है इस पर सांचे पर रख दिया था, और उसके बाद इसमें मावा भी रख दिया था, और बंद करके साइड के जो किनारे होते हैं उनको निकाल दिया है, और गुजिया जो है बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से और जो गुजिया हैं मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। मम्मी जो है अभी मार्केट गई हुई थी, पर ना वो होती तो मैं यहाँ पर बेलती जाती और वो जो है गुजिया बनाती जाती, तो इस टाइम वो मार्केट गई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो बैठने से अच्छा है, वेट करने से अच्छा है कि मैं ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं वही बनाकर तैयार कर रही हूँ, और इसके सांचे जो है आराम से मार्केट में मिल जाते हैं, सभी के पास ज़्यादातर अवेलेबल भी होते होंगे। तो पीतल का सांचा भी था, लेकिन ये जो प्लास्टिक का था इससे मुझे ठीक लगा, इजी लगा बनाना, तो बस इसी से मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ, सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मैंने कुछ गुजिया जो है बनाकर तैयार कर ली हैं, ये बन चुकी हैं, और अब जो है मैंने सारी गुजिया बनाकर रेडी कर ली हैं, इतनी गुजिया बनी हैं। और अभी मम्मी आ चुकी हैं वापस मार्केट से, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। पहले हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसन की कुछ मटरी हैं और कुछ पापड़ी हैं जो कि मम्मी ने बनाकर तैयार कर दी हैं, और इनको मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने सरसों का ऑयल लिया है। बेसन के जो आइटम होते हैं वो सरसों के ऑयल में फ्राई करो तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं उनको मैं रिफाइंड ऑयल में फ्राई करूँगी, लेकिन यहाँ पर ये जो बेसन के आइटम हैं इनको मैं इसी में ऑयल में फ्राई करूँगी।
बेसन की जो मटरी थी, जो पापड़ी वगैरह थी, तो बस वो सभी जो है मैंने फ्राई कर ली हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल चेंज कर लिया है, मैंने सरसों का ऑयल निकाल दिया था और इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर लिया है। ये लोहे की कढ़ाई है, तो कुछ भी फ्राई करने की आइटम होते हैं, कुछ ही पकवान वगैरह बनते हैं हमारे यहाँ, तो लोहे की कढ़ाई में ही फ्राई करते हैं उसे। तो अभी मैं गुजिया फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर, और कुछ मटरी भी थी वो भी बनाकर तैयार कर ली है। तो एक साथ जो है सभी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, तो ये हल्की सी जो है गोल्डन कलर की हो चुकी हैं, और इतना ही फ्राई करना है। इनको मैं निकाल लूँगी। एक दो गुजिया जो थी वो पता नहीं कैसे फट गई थी, खुल गई थी, तो थोड़ा सा जो मावा है वो ऑयल में मिल गया था। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कुछ मटरी हैं जो कि ये भी बनाकर तैयार कर ली हैं। तो बस इतने ही आइटम हम लोगों ने वहाँ पर बनाए थे, और अभी मैं घर पर वापस आ चुकी हूँ। नाइट का टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो उसी के लिए मैंने खोया लिया है, कोई खोया बोलता है, कोई मावा बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ खोया ज़्यादा बोलते हैं। तो बस उसी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मैदा। खोए को जो गुलाब जामुन होते हैं उनमें मैदा कम पड़ती है, तो मैंने थोड़ी ही ऐड की है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत और मिला लूँगी। और इसको जो है मैं हाथों से अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क, और इसको डालकर जो है मैं गूंद लूँगी अच्छे से। इसको जो है सॉफ्ट जो है इसका डो लगा कर तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिल्क ऐड करने से जो डो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट बनता है, और हमारे गुलाब जामुन भी काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। और इस तरह से मैं हाथों से हथेली से इसको मसलती जाऊंगी। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है, और इसमें काफ़ी जो है टाइम भी लग जाता है, लेकिन जो डो है हमें बिल्कुल चिकना करना होता है, इससे जो गुलाब जामुन है फटते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो इसे मैं हथेली से इस तरह से अच्छे से मसलती जा रही हूँ, और मैदा जो है हमें कम ही ऐड करना चाहिए ताकि गुलाब जामुन सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अगर हम ज़्यादा मैदा ऐड करेंगे तो गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर जो डो है मैंने तैयार कर लिया है गुलाब जामुन के लिए, और खोए को जो है मैं हाथ में लेकर इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। आपको जिस साइज़ के गुलाब जामुन बनाने हैं आप ऐड कर सकते हैं, और वैसे भी जब इसको हम चाशनी में ऐड करते हैं तो इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। और जब भी गुलाब जामुन बनाए तो इनको हाथों में डो रखकर हथेली के बीच में इस तरह से हल्के हाथों से घुमाना होता है, ताकि ये बिल्कुल जो है इसमें एक भी दरारें ना रहे, ये कहीं से फटे ना, वरना अगर हम इसको इस ऐसे ही फ्राई करेंगे तो ये फट जाते हैं। तो इनको मैं अच्छे से जो है हथेली के बीच में रखकर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं, और अब इन्हें फ्राई करेंगे। तो मैंने घी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये 3 गुलाब जामुन फ्राई करके देखे हैं पहले, ताकि ये ढंग से फ्राई हो रहे हैं या नहीं। तो बस अब मैं और जो गुलाब जामुन है उन्हें ऐड कर दूंगी, और इसे मैं देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। और बस मैं इन्हें फ्राई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे हस्बैंड इन्हें फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैं बना रही थी तो वो जो है साथ में मेरी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं फ्राई कर देता हूँ, और मैं सच बताऊँ तो इस तरह से मैं फ्राई नहीं कर पाती। मैं जो है ज़्यादा तेज़ तेज़ चला रही थी तो गुलाब जामुन टूटने का डर था, तो उन्होंने बोला कि मैं ही फ्राई कर देता हूँ। और वो बहुत अच्छे से जो है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इन्हें फ्राई कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं जो है और जो डो है उससे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लूँगी, और इसकी जो चाशनी है वो भी मैंने दूसरी गैस पर बनाकर रख दी है, वो तैयार हो चुकी है बनकर। और एक बार के जो गुलाब जामुन है वो भी फ्राई हो चुके हैं,
तो उनको जो है चाशनी में ऐड कर देंगे। एकदम गर्म थे तो नहीं डाले थे, और ये सेकंड बैच है तो बस वही वो यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। और आप चाहें तो इतना ही फ्राई कर सकते हैं, कोई जो है थोड़े रेड रेड गुलाब जामुन पसंद करता है, लेकिन मुझे जो है थोड़ा डार्क कलर हो जाता है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, एकदम जो रेड कलर होता है वो अच्छा नहीं लगता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है चाशनी में ऐड कर दिए हैं जो पहले के गुलाब जामुन थे फ्राई किए थे, और अब ये भी जो है फ्राई हो चुके हैं, अच्छा कलर आ चुका है इन पर भी, तो इनको भी वो प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से बस जो और भी गुलाब जामुन मैंने बनाकर तैयार किए हैं, अभी तो बन चुके थे, बस मैं साथ में खड़ी होकर देख रही थी कि वो किस तरह से फ्राई कर रहे हैं, और मैंने बोला कि लाओ मैं फ्राई कर देती हूँ, तो उन्होंने बोला कि तुम रहने दो, सारे ख़राब कर दोगी गुलाब जामुन, तो इसीलिए बस वो यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। जो पाउडर वाले गुलाब जामुन होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं, लेकिन ये मावा के होते हैं, खोए के गुलाब जामुन होते हैं, तो ये जल्दी से टूट जाते हैं। तो बस ये जो बस इतने ही गुलाब जामुन बचे थे, तीन बैच में सारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके थे, और इनको जो है चाशनी में ऐड कर दिया था, तो अभी इनमें जो है चाशनी और अंदर जाएगी तो ये और इनका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा होगा। अभी ही डाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो बस गुलाब जामुन जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। और अपने इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।